पराठे देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इंडियन मॉम। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे पराठे की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे दही के साथ। श्योर कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार ट्राई करना चाहेंगे। अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक साफ मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे एक बाउल कर्ड। यहाँ पर मैं घर का जमाया हुआ फ्रेश कर्ड ही यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही अब इसमें ऐड करूंगी मैं सारे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हींग, और इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 टेबलस्पून अजवाइन। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इस तरह से हम अपने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें चॉप फ्रेश हरा धनिया भी यूज कर सकती हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर। अब एक स्पून या स्पैटुला से हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सारे मसाले हैं कर्ड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बाउल नॉर्मल गेहूं का आटा। कर्ड और आटे का मेजरमेंट हम सेम बाउल से ही रखेंगे। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए और इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी या फिर ऑयल। बस एक बार फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ सा डो बना लेंगे, जिस तरह से नॉर्मली हम पराठों के लिए बनाते हैं। अब इस डो को हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 15 से 20 मिनट के बाद इससे पराठे बनाने से पहले आप एक बार फिर से इसे कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से नीड कर लें। दही ऐड करने से पराठे काफी सॉफ्ट और काफी माउथ मेल्टिंग बनते हैं। अब आइए इसे पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से अपने हाथ में लेंगे और इसे रोल करते हुए उसकी एक लोई बना लेंगे। अब इसे थोड़े से सूखे आटे से अच्छी तरह से कोट कर लें और नॉर्मल चपाती की तरह पतला सा बेल लें। अब थोड़ा सा घी या ऑयल लेकर इस पूरी चपाती पर अच्छे से फैला देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और अब इसे हम रोल करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसे इस तरह से पकड़कर एक फोल्ड आगे की साइड और एक फोल्ड पीछे की साइड, और इस तरह इसमें हम सारी प्लेट्स बना लेंगे। अब इसे रोल करते हुए इस आखिरी के हिस्से को अब यहाँ पर हम सील कर देंगे। अब इसे फिर से एक बार सूखे आटे से कोट करते हुए हम इसे मोटा मोटा बेल लेंगे। इन पराठों का एक प्लस पॉइंट ये है कि काफी टाइम तक बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं। मैं आज इससे लच्छा पराठा बना रही हूँ। आप चाहे तो इससे नॉर्मल पराठा भी बना सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से हम अपने सारे पराठे बेलकर रेडी कर लेंगे। अब आइए इन्हें सेक लेते हैं। अब इसके लिए अपने तवे को मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर अपना ये पराठा डाल देंगे। अब इसे हम एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे और दूसरी साइड फ्लिप कर दें। अब इसकी दोनों साइड्स पर घी या ऑयल लगाकर इस तरह से इसे हल्का सा दबाते हुए हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। ये पराठे खाने में इतने टेस्टी और यमी होते हैं कि इसके साथ आपको किसी सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में डालकर दीजिए। ये बहुत ही टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही किसी अचार या चाय के साथ भी खा सकते हैं। और इसी तरह से हमने अपने सारे पराठे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब आप भी इन माउथ मेल्टिंग और सुपर सॉफ्ट पराठास को जरूर ट्राई करें। और हाँ, आपको ये कैसे लगे ये शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।